हेलो दोस्तों, पुनीताज फूड डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अंगूरी गुलाब जामुन की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम गिट्स गुलाब जामुन का पैक। ये पूरा मिक्सचर हम एक थाली में निकाल लेंगे। इसे हम एक बार हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ पनीर। इसे मिक्सचर के साथ अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे। इस मिक्सचर का स्मूथ और सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। डो को हम तब तक नीड करेंगे जब तक इसमें से ऑयल रिलीज ना होने लगे। ये देखिए डो रेडी हो गया है। इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 2 कटोरी पानी डाला है। अब इसमें हम 1 कटोरी शक्कर डाल देंगे और शक्कर को हम अच्छे से मेल्ट होने देंगे। चाशनी को हमें पतला ही रखना है, ज़्यादा ठीक नहीं करना है। अगर चाशनी ज़्यादा ठीक हो गई तो गुलाब जामुन चाशनी पी नहीं पाएंगे और अंदर से हार्ड बन जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गया है। इसमें हम फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल देंगे। चाशनी बनकर रेडी है। इसे हम ढक देंगे और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। 10 मिनट हो गया है। इसे हम एक बार वापस गूंथ लेंगे थोड़ा सा। अब इनका हम छोटा छोटा बॉल्स बना लेंगे। मैंने सारे बॉल्स को बना लिया है। इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो तेल को मैंने पहले से ही रख दिया था गर्म होने के लिए। इसमें हम बॉल्स डालेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, कितना प्यारा सा गुलाब जामुन का कलर आया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे गुलाब जामुन हम चाशनी में डाल देंगे। और इन्हें 2 घंटे के लिए ढककर रख देंगे। 2 घंटे हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों, गुलाब जामुन अंदर से कितना सॉफ्ट बना है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे दोस्तों, तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।